आज सनातन गौरव यात्रा निराला नगर मैदान पराग डेयरी के बगल से उठकर गोविंद नगर CTI विजयनगर दादा नगर तमाम रास्तों से होते हुए पनकी धाम के लिए प्रस्थान की गई, जिसमें सभी संत लोग उपस्थित रहे। अरुण चैतन्यपुरी महाराज, जंगली देवी मंदिर के महामंत्री विजय पांडे, बारा देवी मंदिर के पुजारी ज्ञान सुंदर पांडे तथा यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए। सभी सम्मिलित होकर पनकी धाम मंदिर में यात्रा का समापन हुआ। इसी को लेकर क्या कहा जंगली देवी मंदिर के महामंत्री विजय पांडे ने, आइए सुने। गौरव सनातन यात्रा, भैया अपना आज परिचय देते हो, जो आज यहाँ पे जो यात्रा निकली थी कहाँ से कहाँ के बीच में गए थे? मैं पंडित विजय पांडे, महामंत्री हूँ श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट का और संगठन महामंत्री हूँ अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति का। आज अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति एवं श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में विशाल गौरव सनातन यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा का शुभारंभ पराग डेयरी से रेलवे ग्राउंड से हुआ है। यहाँ से होते हुए नंदलाल होते हुए फजलगंज होते हुए विजयनगर चौराहा होते हुए पनकी मंदिर में विश्राम हुई है हमारी यात्रा। लगभग आज की यात्रा में 3100 के आसपास गाड़ियाँ थी और पैदल भी लोग चल रहे थे, भक्त लोग चल रहे थे, बाइकों में भी अपने अपने चल रहे थे, ट्रक भी सजे थे, ट्रकों में भी लोग चल रहे थे। भव्य यात्रा निकाली गई है और मैं आपके माध्यम से समस्त महानगर वासियों को एवं आसपास के जनपद वासियों को कल के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि कल वो सिद्धपीठ श्री जंगली देवी मंदिर जरूर पधारे, क्योंकि जंगली देवी मंदिर में जो 22 जनवरी का अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसी जी रामलला भी राजेंगे वहाँ, उसी के उपलक्ष्य में श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरा दिन चलता रहेगा, 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक धार्मिक आयोजन भव्य आयोजन होते रहेंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी समस्त महानगर वासियों को कल 22 जनवरी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सभी आवें और कार्यक्रम को देखें और माता जंगली मैया का दर्शन